गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की सुबह हम चाह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन करने वाले तुगलक वंश को भी देख लिया जाए, और आज की कक्षा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तुगलक वंश में केवल तीन ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में शासन किया, और उसके बाद कई सारे शासक केवल नाम मात्र के लिए सुल्तान बने, समय के लिए कभी नाम मात्र रहा तो कभी अपनी शक्तियों के लिए वह नाम मात्र के सुल्तान रहे। वास्तविक रूप में एक ऐसा वंश जिसमें अधिकतर समय जो भी शासन करने आया वह केवल और केवल नाम मात्र या किस्मत से शासक बना, और जो वास्तविक रूप में अच्छा शासक था उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि वो कुछ भी करता था तो उसका नकारात्मक परिणाम आता था, शायद वह उसका विश्लेषण नहीं कर पाता था, दूरदृष्टा नहीं था, और इसी कारण से तुगलक वंश में कई सारी ऐसी बातें आपको पता चलेगी जो आपके लिए भी एक सीख रहेगी कि यदि कोई व्यक्ति बड़े निर्णय लेता है, नए निर्णय लेता है, लेकिन कोई विश्लेषण नहीं करता है तो वही निर्णय उसके पतन का कारण भी बन सकते हैं। तो सभी का भरपूर स्वागत है, आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिसे आप लोगों ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर कदम कदम बढ़ाए जाए, और आरंभ है प्रचंड वाली सीरीज चल रही है। अपने तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो 20 बुक्स के अलावा आपको लोन की भी सुविधा मिलती है, प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच, मेन्स क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का अतिरिक्त ऑप्शन होता है। एमके लाइव रिफर कोड आप प्लस और आइकॉनिक दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन में उपयोग कर सकते हैं, और हमारे द्वारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है अनअकैडमी चुनौती। एमके लाइव रिफर कोड उसके लिए यूज करना होगा, आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज के लिए भी आप इस रिफर कोड को अप्लाई कर सकते हैं। यहां मैं एक और चीज बता दूं, कल अनअकैडमी कॉम्बैक टेस्ट है और ये 11 बजे होगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको यदि सब्सक्रिप्शन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन चाहिए तो कल 11 बजे आप इस टेस्ट में शामिल होइए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, बस टेस्ट ओपन करने के लिए आपको एक रेफर कोड लगेगा, उस रेफर कोड को यूज करने पर ही आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। तो आप इस रिफर कोड के माध्यम से मेगा कॉम्बैक टेस्ट दीजिए और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन, मतलब बहुत सारे स्कॉलरशिप वहां पर आपके पास लिए अवेलेबल हैं, उसे जरूर आप प्राप्त करके मिनिमम प्राइस में सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। 22 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं फाउंडेशन बैच, जिसमें 2022 के विद्यार्थियों के लिए प्री और ऑप्शनल दोनों की बातचीत होगी। तो आइए, जो लोग आज पहली क्लास देख रहे होंगे या पहली बार मुझसे जुड़ रहे होंगे, पहले मैं उन्हें थोड़ी सी कहानियों को जोड़ते हुए आगे लेकर चला जाऊं। तो शुरुआत कर लेते हैं राज तिवारी, सभी को राज तिवारी, आज मेरा जन्मदिवस है, जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं राज तिवारी। पढ़ते चलो बेटा, जिस दिन जन्मदिवस हो और भी ज्यादा मेहनत करने की प्लानिंग करो। तो मैंने आपसे कहा था कि इतिहास तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होते हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास प्रमाण तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, अभी तक जान नहीं पाए हैं। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, जिसके लिए हमारे पास सब कुछ है, हम उसके बारे में जानते भी हैं, हम उसकी लिपि पढ़ते भी हैं, हमारे पास जितने अभिलेख है, जितने साहित्य है, उसके आधार पर उस प्राचीन समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने देखा था ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये सब कुछ ऐतिहासिक कालों में आता है। भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और
उपनिवेशिक काल, ब्रिटिश काल कह सकते हैं। आधुनिक भारत इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आधुनिकता जैसी कोई बात भारत में उस समय थी नहीं। तो यदि हम बात करें भारतीय इतिहास में मध्यकाल की, तो मध्यकाल का शुभारंभ दो घटनाओं के रूप में हम कहेंगे। एक तो पहली बार भारत में अरबों का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है और उसमें विजयी होते हैं, तो हम कहेंगे कि वो केवल लूटपाट के दृष्टिकोण से, लेकिन साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से जब भारतीय क्षेत्र में वह अपना पूरी तरह से शासन चलाना प्रारंभ करते हैं, तब हम मानते हैं कि वास्तविक रूप में मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब विजय प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं कि एक तरीके से अब कुछ नए लक्षण हमें दिख रहे हैं और इसलिए हम कहते हैं कि पूर्व मध्यकालीन वहां से शुरू हो जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में मध्यकाल शुरू होगा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, द्वितीय तराइन के युद्ध में, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में युद्ध होगा और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान को हराने के बाद जब दिल्ली पर शासन स्थापित करेगा, साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से हमला करते हुए वह दिल्ली की राजगद्दी या दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करेगा, वहीं से मध्यकाल प्रारंभ होता है। इतिहासकार ये वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि इतिहास को पढ़ते समय वो महसूस कर सके कि यहाँ से शासन व्यवस्था में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों में बदलाव आ रहे हैं, तो एक आमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई देने लगते हैं। इसी दौरान जो मध्यकालीन भारत है, जो 1192 से शुरू होता है, उसे हम दो खंडों में पढ़ेंगे। एक तो दिल्ली सल्तनत काल और एक मुगल काल। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहली जो स्थापना करता है मोहम्मद गौरी, उसको वह अपने गुलाम में बांटता है और गुलामों के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, जो लगभग 80 वर्ष तक शासन करता है। और उसके बाद हमने देखा था कि खिलजी या खलजी वंश आता है और खिलजी खलजी वंश के शासक की मृत्यु के बाद प्रारंभ होता है तीसरा वंश, तुगलक वंश। तो आइए जरा एक नजर देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526, लगभग 320 वर्ष का इतिहास है, जिसमें हमने 120 वर्षों का इतिहास पढ़ लिया है। आज लगभग 94-95 ईयर का इतिहास पढ़ेंगे। इस दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश, इलबली वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी वंश, और आज हम बात चिन्ह की करेंगे वो तुगलक वंश है, जो कि लगभग 94 ईयर तक शासन काल करता है। 1414 के बाद फिर 1526 तक पहुंचने के लिए यदि मैं आप लोगों से कहूं तो फिर केवल और केवल 112 वर्ष का इतिहास बच जाता है, जिसे हम एक साथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करते हैं, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करते हैं, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खा करते हैं, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में रहता है और इस वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बरहाम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्श। क्यूमर्श की हत्या के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, जिसमें जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वास्तविक रूप में खिलजी वंश यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन नसीरुद्दीन खुसरो शाह की कोई मतलब 1.5-2 साल का शासन नहीं, कुछ महीनों का शासन है, और उसकी हार होने के बाद उसकी हत्या होती है और तुगलक वंश की स्थापना होती है, जो 1320 से 1414 तक चलेगा। इस तुगलक वंश में तीन ही बड़े शासक हैं, गयासुद्दीन तुगलक जो कि स्थापना करते हैं, 5 ही साल तक जिंदा रहते हैं लेकिन बहुत बदलाव कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे लंबा शासन चलता है 1325 से लेकर 1351, 26 सालों तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक, इनका भी शासनकाल आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा चलता है।
लेकिन इसके बाद फिर आप देख सकते हैं 1388 कुछ महीनों के लिए, फिर 1388 कुछ महीनों के लिए, फिर 1389 से लेकर 1390 हम कह सकते हैं कि केवल एक साल के लिए, फिर चार साल के लिए, फिर एक साल के लिए, और केवल नसीरुद्दीन महमूद शाह यही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा लंबा शासन करते लेकिन नाम मात्र का ही शासन है। गुजरात भाग जाते हैं जब तैमूर का हमला होता है, तो वहीं से अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के शासन को चला रहे होते हैं, तो नाम मात्र का है। मतलब रियालिटी में हम देखें तो हमें केवल इन तीन शासकों को पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको याद रखने के लिए जैसे ग शब्द जो है वो पहले आता है हिंदी में, फिर म शब्द आता है, और फिर फ शब्द को आप देख सकते हैं, या फिर यदि आपको लगे तो गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज, पहले पाँच नामों का, पांच शब्दों का, पांच शब्दों का, फिर चार शब्दों का, फिर तीन शब्दों का, तो गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीन नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और इनके बाद अगर इनको आपने नहीं भी याद किया तो चलेगा, क्योंकि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है सिवाय एक सुल्तान के संतान होने के अलावा। नसीरुद्दीन महमूद शाह को आप ज़रूर याद रखिए, अंतिम शासक के रूप में जो तुगलक वंश में अंतिम शासक थे, नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह को ज़रूर याद रखिए। तो तुगलक वंश में केवल इन चार राजाओं पर ही बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इन चार लोगों का ही इतिहास है तुगलक वंश। वास्तव में चार में भी केवल इन तीन का ही है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की बातचीत उस दौरान हुई होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, सभी लोग अपने कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, हम टाइम मशीन में फिर बैठ रहे हैं और अब उस दौर में जा रहे हैं जब खिलजी वंश का समापन हो जाता है और दिल्ली की राजगद्दी पर एक नया सुल्तान, एक नए वंश का होता है, तुगलक वंश का। वैसे ही अपना नाम बदलते हैं, इनका वास्तविक नाम हमने पिछली कक्षा में भी बताया था और यहां पर फिर चर्चा करेंगे। तो अब हम आपको लेकर जा रहे हैं, आज हम जानते हैं जैसे कि 18 सितंबर 2021 से हैं, तो 18 सितंबर से अब हम आपको लेकर जा रहे हैं 1320 ईस्वी में। क्या माहौल है, गयासुद्दीन तुगलक क्या बदलाव करने वाला है। गयासुद्दीन तुगलक अगर मैं आपसे कहूं संक्षिप्त में, तो एक तरीके से धर्मनिरपेक्षी कह सकता हूं मैं, या फिर कह सकता हूं कि स्यूडो धर्मनिरपेक्षी ही सही, लेकिन फिर भी इसने एक अच्छी बात कही कि शासन में पुरोहित जैसे होते थे वैसे वहां उलेमा होते थे, उनको शामिल नहीं होने दिया और पूरी तरह से कठोरता अपनाई, शासन काल में बहुत कठोरता अपनाई। उनका बेटा आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो वास्तविक रूप में अपने पिता की हत्या करता है। मोहम्मद बिन तुगलक उसकी तुलना में जस्ट अपोजिट है, बहुत ही ज्यादा धर्म को मानने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म को इस भारत की भूमि पर जिन्होंने, मतलब हम कहेंगे कि लागू करवाया, जैसे कि पूरी तरह से आज के दौर में तालिबानी शासन होता है, लगभग आप कह सकते हैं कि उस तरीके के नियम फिरोज शाह तुगलक ने लागू कराए थे। उसके बाद के शासक, फिर इसके बाद तो इसने शासन को इतना कमजोर भी कर दिया था कि शासन चलाना ही बहुत कठिन था, संभव ही नहीं था कि शासन चल पाए। जहां खिलजी सोचता था, आप लोग जानते हैं कि अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहते हुए वो विश्व विजय करना चाहता था, भारत विजय के लिए निकला था, उसी दौरान गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यह हम बात अगर करें कि वह भारत की विजय को तो कंप्लीट करा देते और अपना विस्तार दक्षिण भारत तक करा देते हैं। आइए देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक और उनके पहले की पृष्ठभूमि समझते हैं कि हुआ क्या है। पिछली दो कक्षाओं में, अब हम टाइम मशीन में बैठ चुके हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछली दो कक्षाओं में हमने क्या क्या देखा है और आज हम क्या देखने जा रहे हैं।
पिछली दो कक्षाओं में हमने पढ़ा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में पहली अरब विजय होती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में भारत में पहली अरब विजय हुई और इसके बाद महमूद गजनवी द्वारा भारत में लूटपाट के उद्देश्य से भी आक्रमण हुए। तो बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आते हैं बट वो लूटपाट करने जाते हैं। फिर इसके बाद भारत पर मोहम्मद गौरी के द्वारा लूटपाट के साथ साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार का मतलब ये केवल लूटना नहीं चाहता है बल्कि उसको अपने शासन में शामिल करना चाहता है। मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण होता है और इसी क्रम में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। मोहम्मद गौरी स्वयं भारत पर शासन नहीं करते हुए अपने निष्ठावान गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर वापस लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती है और यह क्रम 1290 तक चलता है। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्श की हत्या के साथ ही गुलाम वंश का समापन होता है और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश खिलजी अथवा खलजी वंश का उदय होता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 में होती है जबकि इसका अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। खिलजी वंश के अंतर्गत पहली बार साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से दक्षिण भारत के संबंध में सफल विजय अभियान आयोजित किए जाते हैं किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो सम्मिलित नहीं करता है। अंततः 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के साथ हुए युद्ध में नसीरुद्दीन खुसरो शाह पराजित होकर मारा गया और यही गाजी मलिक जिसने अंतिम खिलजी वंश के शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित किया गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में खिलजी वंश समाप्त हो गया और नए तुगलक वंश का उदय होता है। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि दिल्ली की राजगद्दी पर राज्य अभिषेक हो चुका है और एक नया वंश अब दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हो चुका है। ये तुगलक वंश और उस दौर में क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली गाजी मलिक क्या करता है कि जो अंतिम शासक है उसको मार रहा है और इसलिए मारता है क्योंकि वो ये बताते हुए मार रहा है कि भाई इसने खिलजी वंश के साथ धोखेबाजी की है तो मैं इसको समाप्त करके खिलजी वंश की फिर से स्थापना करना चाहता हूं। वह खिलजी वंश के उत्तराधिकारी को आमंत्रित करता है पर कोई आता ही नहीं है। इतिहासकार कहते कि ये सब बदमाशी थी, वो केवल ये जानना चाहता था कि अभी कोई उत्तराधिकारी बनना तो नहीं चाहता, नहीं तो एक हाथ गर्दन और कटवा देंगे। फिर वह सभी की सम्मति से दिल्ली का सुल्तान बनता है और इसी कारण से अपने नाम के आगे सर्वसम्मति वाला शासक या सर्वसम्मति वाला सुल्तान भी जोड़ देता है। कई सारी उपाधियों में ये उपाधि भी वो धारण करता है। एक तरीके से कहें तो गयासुद्दीन तुगलक की यदि हम बात करें तो कठोर हैं। वह जानता है कि यहाँ पर जितना ज्यादा कठोरता से शासन होगा उतने लंबे समय तक शासन चल पाएगा, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक तो शासन नहीं चला पाता है। लेकिन जानते कि उस समय राजनीति क्या किस तरीके की माहौल निर्माण कर रही थी और किस तरीके के परिस्थिति में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। वस्तुतः इस समय दिल्ली सल्तनत के संबंध में मोहम्मद गौरी के प्रति जनता में श्रद्धा का भाव प्राय समाप्त हो जाता है। अब कितना टाइम हो गया, कितना याद करोगे मोहम्मद गौरी को, तो अब दिल्ली की जनता कहिए या यही मुस्लिम लोग भी कहिए तो गौरी को अब भूल चुके हैं। गौरी के प्रति अब उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। अब वो समझ चुके हैं कि जो शक्तिशाली होगा वो दिल्ली का सुल्तान बनेगा। अंतरिक्ष षड्यंत्रों के माध्यम से सुल्तान बनना अब अपेक्षाकृत सरल हो जाता है क्योंकि पहले तो क्या था कि गौरी के प्रति आस्था थी तो भाई गौरी का जो भी गुलाम है और उसके अनुसार जो शासन चलाने वाले लोग हैं वही शासन को संचालित करेंगे, जो राजतत्व का सिद्धांत था पहले उसके अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन अब षड्यंत्रों का दौर है। फिरोज खिलजी बलबन द्वारा प्रतिपादित राजत्व के सिद्धांत और लोह और रक्त की नीति का परित्याग कर देता। याद करिए बलबन, आपको मैंने बताया था
कि ये गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने एक नीति अपनाई थी, लोह और रक्त की नीति। उसमें वह जो भी शत्रु होता है उसको मार डालता था। फिरोज खिलजी ने उसी नीति का त्याग कर दिया था और सभी के साथ, क्योंकि बहुत बुजुर्ग भी था, नीति का परित्याग कर दिया था, उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के साथ सत्ता का संचालन किया था। तो जहां बलबन का शासन बहुत कठोरता वाला था, खिलजी का शासन बहुत ही सॉफ्ट था। किंतु इसके बाद बनने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पुनः कठोर और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। आर्थिक सुधार और दक्षिण भारत में विजय अभियानों के माध्यम से सैनिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न करता है। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद शासन में आता है, एक दूरदृष्टा था, एक अच्छा शासक था, लेकिन फिर से कठोरता वो लेकर आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बनने वाले सुल्तानों में प्राय योग्यता और दूरदर्शिता का अभाव था, और जिस कारण से परस्पर षड्यंत्र के माध्यम से निरंतर सत्ता का परिवर्तन होता रहा। किंतु पंजाब प्रांत के प्रशासक मलिक मुबारक शाह तत्कालीन सुल्तान खुसरो शाह को युद्ध में पराजित कर खिलजी वंश की समाप्ति कर देते हैं और यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो अतः स्पष्ट होता है कि तत्कालीन परिस्थिति में न केवल षड्यंत्र बल्कि युद्ध और संघर्ष के माध्यम से भी सत्ता प्राप्ति की चेष्टा होने लगी थी और दिल्ली सल्तनत का लगभग समस्त उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष अधिकार था। साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्से पर भी दिल्ली के सुल्तान की संप्रभुता थी। तो आइए, तुगलक वंश की स्थापना हुई, गयासुद्दीन तुगलक ने फाइनली दिल्ली की राजगद्दी पर स्थापित होकर अपना शासन शुरू किया। अब सवाल ये कि पहले ये तुगलक कौन है, तो इतिहासकारों में इसमें भी बहुत सारे विवाद हैं। कई सारे लोग तुगलक को मिश्रित मानते हैं, कई सारे लोगों का कहना है कि तुगलक अफगानी थे, कई लोग तुगलक को मंगोल और भारतीयों का मिश्रण मानते हैं। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता है, जो सर्वमान्य मान्यता होगी हम उसे याद रखेंगे। तुगलक वंश के संबंध में इतिहासकारों में कई मत प्रचलित है। अमीर खुसरो द्वारा रचित तुगलक नामा के अनुसार तुगलक नाम जातिगत ना होकर व्यक्तिगत था, मतलब तुगलक कोई जाति नहीं थी बल्कि तुगलक एक व्यक्ति को सम्मान देने वाली बात होती है। इब्न बतूता ने अनुसार तुगलक को तुर्किस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले करोना वंश से संबंधित बताया। जी हाँ, ये वर्तमान का जो कोरोना है वो नहीं, करोना, करोना वंश संबंधित बताया। करोना शब्द वस्तुतः संस्कृत शब्द कर्ण से बना हुआ है और आप जानते हैं कि हमारे यहां पर जो कर्ण के बारे में बातचीत कही जाती है, जिसका अर्थ है ऐसी मिश्रित जाति से होता है जिसका पिता क्षत्रिय और माता शूद्र होती है, तो जो करोना शब्द है वो कर्ण से बना और इब्न बतूता के अनुसार तुगलक जो है वो इसी करोना वंश से जुड़ा हुआ है। लेकिन खुसरो कहते हैं कि वो जातिगत ना होकर व्यक्तिगत है। एक और इतिहासकार से हमने पूछा कि आप क्या जानते हैं तुगलक के बारे में, तो मार्को पोलो ने भी तुगलक को मिश्रित जाति का मानते हुए कहा कि गयासुद्दीन के पिता तातार अर्थात मंगोल थे और माता भारतीय थी। उपयुक्त इतिहासकारों के मतों के बाद तुगलक वंश के संबंध में एक सर्वमान्य धारणा यह है कि तुगलक मूलतः तुर्की के करोना वंश से संबंधित और एक मिश्रित जाति थी जिसमें पिता मंगोल और माता भारतीय थी। तो ओवरऑल कहें तो तुगलक के बारे में इतनी बात यहां पर समझनी है कि यह मिश्रित जाति है और यह हम कह सकते हैं कि तुर्की के मिश्रित जाति करोना से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार हैं, खुसरो साहब कुछ और कह रहे हैं, इब्न बतूता कुछ और कह रहे हैं, मार्को पोलो कुछ और कहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक मिश्रित जाति मानी जाने लगी। वस्तुतः उपयुक्त धारणा गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में ली जाती है क्योंकि गयासुद्दीन के पिता बलबन का एक तुर्क दास था जबकि माता भारतीय जाट हिंदू थी। माना जाता है कि मलिक मुबारक शाह अथवा गयासुद्दीन ने अपनी जातीय श्रेष्ठता को स्थापित करने के उद्देश्य से तुगलक पद का धारण किया था। तो ओरिजिनल नाम मलिक मुबारक है, ओरिजिनल नाम मलिक मुबारक है, लेकिन उन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा जब वो राज गद्दी पर बैठा। तो राज गद्दी पर बैठने के बाद कोई पद धारण करने की जगह पर उन्होंने अपने नाम में भी परिवर्तन किया और यही जो कि मलिक मुबारक है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन करता है।
तुगलक वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाला वंश तुगलक। दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत तक विस्तार करने वाला वंश तुगलक। शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन पर अधिक बल देने वाला वंश तुगलक। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण। अब आप कहेंगे सर पिछली बार भी तो आप यही कह रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप में पाकिस्तान के कुछ जगहों पर वो प्रमाण मिले हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि तुगलक के दौरान दिल्ली के क्षेत्र में मंगोलों के द्वारा सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो खिलजी में भी आक्रमण अधिक हुए थे, लेकिन सबसे अधिक इनके वंश में, इसके बाद खिलजी के वंश में हुए थे। और इन्होंने सदा सदा के लिए मंगोलों को हरा कर अब मंगोलों को बता दिया कि इस क्षेत्र में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मंगोल आक्रमण प्राप्त करने वाला वंश मंगोलों पर विजय प्राप्त कर सदैव के लिए उनके भय को समाप्त करने वाला वंश। तो तुगलक वंश के बारे में आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला, दक्षिण भारत तक विस्तार करने वाला, सुचारू संचालन करने वाला, मंगोल आक्रमण से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला, या सबसे अधिक मंगोल आक्रमण झेलने वाला। मैं इस वंश के बारे में एक और चीज बता सकता हूं कि यही वंश है जिसने राजधानी बदलने की भी हिम्मत की, उसके बाद फिर कोई राजधानी बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो आइए गयासुद्दीन तुगलक, मलिक मुबारक जिन्होंने राजगद्दी पर बैठने के बाद नाम जोड़ा गयासुद्दीन तुगलक, सर्वसम्मति से बनने वाला मध्यकालीन भारत का प्रथम सुल्तान। पर सर्वसम्मति मतलब हवाबाजी है केवल। सर्वसम्मति वो पूछता है कि क्या खिलजी वंश का कोई उत्तराधिकारी है, और जब खिलजी वंश का कोई उत्तराधिकारी सामने नहीं आता है तब जाकर वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सब दिखावा था। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का प्रथम शासक, इसे गाजी मलिक, इसे मलिक मुबारक शाह भी कहते हैं, गाजी मलिक भी कहते हैं, तुगलक गाजी भी कहते हैं, गाजी बैग तुगलक भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, और गाजी का मतलब काफिरों को समाप्त करने वाला। काफिरों का मतलब यहां मंगोल थे, तो मंगोलों को समाप्त करने वाला, इसलिए गाजी की उपाधि धारण करता है ये गाजी की। तो सर्वसम्मति से बनने वाला भारत का प्रथम सुल्तान, तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का प्रथम शासक, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान, और गाजी का मतलब होता है कि काफिरों को समाप्त करने वाला। पाकिस्तान के मुल्तान की मस्जिद से प्राप्त एक अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 29 बार मंगोलों को पराजित कर गाजी उल मलिक की उपाधि धारण करने का दावा किया। गाजी उल मलिक, ये जो उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी वो इसीलिए क्योंकि मंगोलों का 29 बार आक्रमण हुआ और 29 बार मंगोलों को हराया, तो इस तरीके से मंगोलों का डर सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक को सर्वसम्मति से बना सुल्तान भी कहते हैं, और इस प्रकार के नामकरण वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कई बातें हैं, गाजी नाम भी जोड़ा, इन्हें सर्वसम्मति का सुल्तान भी कहते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसने क्या रणनीति अपनाई थी। वस्तुतः खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या के बाद जब गयासुद्दीन ने बतौर विजेता दिल्ली में प्रवेश किया तो उसने सबसे पहले खिलजी वंश के उत्तराधिकारी के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। गयासुद्दीन का कहना था कि इस प्रकार के व्यक्ति को वह खिलजी वंश के अगले सुल्तान के रूप में नियुक्त कर सके। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि गयासुद्दीन का यह केवल दिखावा मात्र था ताकि वह अपने विरोधी और उत्तराधिकारी की लालसा रखने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकर उन्हें समाप्त कर सके। गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीति, जहां आप जानते हैं कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने एक बाजार नीति अपनाई थी। बाजार नीति पिछली क्लास में मैंने बताया था, काफी सिस्टमेटिक ढंग से काम किया करना शुरू किया था, लेकिन कर इतना ज्यादा लगा दिया था कि लोग नाराज थे। तो ये जनाब थोड़ा तो सुकून लाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई कठोर और केंद्रीय आर्थिक नीति का त्याग करते हुए उदार और नियंत्रित प्रकार की संतुलित नीति अपनाई। तो अलाउद्दीन की जो कठोर नीति थी उसकी जगह आर्थिक क्षेत्र में,
आर्थिक क्षेत्र में उदारता लाई, क्योंकि अलाउद्दीन तो चाहता था संपत्ति जमा करके सेना को शक्तिशाली बनाना और फिर भारत के हर क्षेत्र को विजय करना। गयासुद्दीन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसका मानना था कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए कर के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाए, तो थोड़ा सा ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा है इनका। ये कह रहे कि टैक्स बढ़ाने से कमाई नहीं बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ाइए, जब उत्पादन बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ जाएगा, जब उत्पादन बेहतर होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा कर वसूल कर पाएंगे। किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, इसके दो बड़े उद्देश्य से गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण प्रणाली और भू राजस्व को त्याग दिया और इसके स्थान पर अनुमान आधारित, जहां गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी ज्यादा उत्पादकता होती थी उस पर ज्यादा टैक्स लेता था, वहीं पर पैमाइश के आधार पर, मापन के आधार पर टैक्स की बात की गई थी। यहां पर गयासुद्दीन तुगलक कहता है ये मापन वापन सब बंद करिए, अनुमान आधारित भू राजस्व प्रणाली को फिर से अपनाया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश के आधार पर टैक्स की व्यवस्था की थी, इन्होंने अनुमान के आधार पर वापिस स्थापित कर दिया। हाँ, लेकिन किसानों की स्थिति को सुधार करने का थोड़ा प्रयास किया तो जहां अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति काफी कठोर थी, वही गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीति पहले की तुलना में उदार बनी हुई है। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व में उपज का लगभग 1/10 अथवा 1/11 हिस्सा ही राज्य द्वारा वसूलने का आदेश दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर उपज का 50% हिस्सा कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता भूमि के राजस्व में एक साल में 1/11 से अधिक आय न बढ़ाने का आदेश दिया। मतलब यदि आप लोगों को राजस्व बढ़ाना भी है तो एक निश्चित दर से बढ़ेगा, इस लिमिट से ज्यादा राजस्व नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति कठोर भू राजस्व नीति का अनुसरण किया। वस्तुतः गयासुद्दीन का मानना था कि हिंदुओं से इतना अधिक कर वसूला जाए कि वो विद्रोह नहीं कर सके, और यह इतना भी अधिक ना हो कि हिंदू कृषि करना ही छोड़ दे। गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि उस जमाने के खुद मुकद्दम और चौधरी थे, जितने भी उस जमाने के जमींदार थे, जमींदार तो वैसे हम प्रथा अपनाते हैं कि ब्रिटिश कालीन है, लेकिन उस दौर में भी राजस्व वसूली करने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे, को कर वसूली के अधिकार वापस लौटा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकारी और अपने कर्मचारियों से कर वसूलना शुरू किया था। इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी जमींदार लोग हैं वही वसूल करेंगे, साथ ही उन्हें उनकी भूमि भी वापस कर दी। अंततः गयासुद्दीन के शासनकाल में जमींदारों को वह स्थिति पुनः प्राप्त हो गई जो उन्हें बलबन के काल में प्राप्त हुई थी, किंतु अब जमींदारों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था। जमींदार स्वतंत्र नहीं थे राजस्व तय करने के लिए, जो आदेश आता था उसी के अनुसार जमींदार राजस्व वसूली करते थे, तो जमींदारों को उनकी जमीनें मिल गई, उन्हें राजस्व वसूली के अधिकार मिल गए, लेकिन राजस्व कितना वसूलना है यह अब तुगलक तय करता था। तो राज्य के द्वारा तय किया जाता था कि राजस्व कितना वसूला जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रसमय मियान अथवा मध्य मार्गी नीति कहा। इसके अलावा बर्नी इतिहासकार मान लीजिए उस दौर का। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत गयासुद्दीन ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए कृषि सुधार कार्यों पर अधिक ध्यान दिया। अलाउद्दीन के काल में प्रारंभ भूमि की पैमाइश की व्यवस्था हुक्मे मसाहत को गयासुद्दीन ने समाप्त कर दिया, क्योंकि अधिक अव्यवहारिक प्रतीत हो रही थी। वस्तुतः गयासुद्दीन ने न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था बल्कि अधिकाधिक भूमि को भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता था। इस कार्य हेतु सिंचाई व्यवस्था का विकास किया जाना आवश्यक था। गयासुद्दीन ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नहर और कुओं का भी निर्माण करवाया। अतः गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट, गयासुद्दीन तुगलक। इसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जमींदार वर्ग के साथ कृषक वर्ग में भी संतुष्टि का भाव विकसित किया। अब गयासुद्दीन तुगलक की प्रशासनिक नीति पर आते, पहले तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि सबसे सफल खिलजी शासक था,
बहुत कठोर नीति खास करके बाजार नीति लाई गई थी। कई सारा परिवर्तन उन्होंने कर वसूली में भी किया था, जमींदारों के प्रति कई प्रकार की नीतियां बदल दी थी, कर वसूली में भी ज्यादा ज्यादा कर वसूलने के लिए ज्यादा टैक्स लगाया गया था। जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनता है तो टैक्स की दर को कम कर देता है, जमींदारों को उनकी जमीनें वापस करता है, उन्हें वो अधिकार देते हैं वापस से कि आप राजस्व वसूल करिए, पैमाइश के आधार पर नहीं अनुमान के आधार पर राजस्व वसूला जाएगा, 1/10 1/11 के आसपास राजस्व रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक नीतियों में कहीं ना कहीं भेदभाव भी किया, हिंदुओं पर ज्यादा टैक्स लगाए, इतना टैक्स उनका कहना था कि वो विद्रोह ना कर, वो अमीर होकर विद्रोह ना कर बैठे मेरे खिलाफ, और इतने भी गरीब ना हो कि कृषि का ही त्याग कर दे। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि भेदभाव वाली नीति गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई। गयासुद्दीन तुगलक ने कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे निर्णयों को पलट दिया, कई सारे निर्णयों को बदल दिया। गयासुद्दीन तुगलक की प्रशासनिक नीति, गयासुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से विरासत में मिली थी, किंतु अलाउद्दीन ने अत्याधिक केंद्रीयकरण की नीति अपनाई थी, जिसे गयासुद्दीन ने उदारता का समावेश किया। तो अलाउद्दीन ने जिस कठोरता के साथ सारे काम किए थे, थोड़ा उदारता लेकर आए। इसने अमीरों को शासन के उच्च पदों पर आसीन किया, किंतु इस संबंध में उसकी योग्यता को प्राथमिकता दी। गयासुद्दीन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की गोपनीय जांच की व्यवस्था को प्रारंभ किया, ताकि विरोधी स्वरों को दबाया जा सके। गयासुद्दीन ने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दक्षिणा के स्वरूप में दिए गए धन की पुनर्वापसी सुनिश्चित की। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गयासुद्दीन तुगलक एक्चुअली इसके जो ठीक पहले वाला शासक था, उसने ओलिया को, जो निजामुद्दीन में आप अगर आज भी जाएंगे तो निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह मिलती है, उस जमाने के सूफी संत थे। तो खिलजी का जो अंतिम शासक था वो बहुत दान दक्षिणा करता था, खास करके मुस्लिम उलेमाओं को और उस दौर के सूफी संतों को। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि जहां जहां पर पुराने सुल्तानों ने जो दान दिया था वो वापिस लेकर आ गया, और जब वो वापिस लेकर आया तो निजामुद्दीन औलिया को ये ठीक नहीं लगा, सूफी संत। तो इस सूफी संत और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में यहां से शत्रुता भी बन जाती है। सूफी संत का नाम उस दौर में काफी बड़ा था, वह उन्हें फांसी की सजा या समाप्त नहीं कर सकता था, उनकी हत्या नहीं कर सकता था, अन्यथा विद्रोह भी हो सकता था। तो सूफी संत का एक तरीके का प्रभुत्व था। कहा जाता है कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, यह ओलिया के प्रति शत्रुता व्यक्त करता था। जब यह बंगाल के विद्रोह को दमन करने के बाद वापस लौटता है तो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ओलिया के प्रति बहुत आकर्षित था, तो वह उसका एक तरीके से शिष्य बन जाता है, और निजामुद्दीन ओलिया उस शिष्य की सहायता से उसके पिता की हत्या करवाता है। जो महल बनाया जाता है लकड़ी का, उसी में उसकी हत्या कराता है गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक की हत्या इस तरीके से होती है, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। अब उनका शिष्य ही था तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके बाद फिर इस सूफी संत के माध्यम से जो भी कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक उनके अनुसार शासन करवाता था। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति यहाँ पर बदल रही है, और सूफी संत भी पार्टिसिपेट करते हुए राजनीति में तय कर रहे हैं कि कौन दिल्ली का सुल्तान बनेगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि इनके पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा जितना भी दान किया गया था वो सब दान वापिस लाया और राजकोष को मजबूत किया। पर यही राजकोष को मजबूत करने की ये जो गलती की, यही उसके मृत्यु का कारण भी बन गया। तो किसकी मृत्यु किस तरीके से लिखी है कह नहीं सकते हैं, आइए ध्यान से सुनिएगा। शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को उन्होंने प्रतिबंधित किया कि शारीरिक यातना दी जाती थी अगर राजकीय ऋण नहीं लौटाया तो, मतलब सर जो राजा का ऋण होता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रारंभ डाक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। इब्न बतूता ने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया।
दारोगा ये डाक डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रथम अधिकारी होता था। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाले घटनाओं की जानकारी एकत्र करता था और उसकी सूचना सुल्तान को भेजता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों को डाक ले जाने की व्यवस्था भी यही अधिकारी करता था। इसके कार्य में दरोगा की सहायता के लिए वाक्यानवीस सवानिह निगार खुफियानवीस हरकारे होते थे। मतलब इसके अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते थे, जो विभिन्न जगह से जानकारियां ढूंढते थे। उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को अधिक नियंत्रित करने का सफल प्रयत्न किया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद की स्थापना कराई, जो तुगलकाबाद आज दिल्ली के निकट है। दिन में सुबह शाम में दो बार दरबार लगता था तथा जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयत्न करता था। तो तीन तीन बार दरबार लगाता था ताकि जनता की समस्याओं को दूर कर सके। गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैन्य दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में किए गए सुधारों के फलस्वरूप गयासुद्दीन तुगलक को एक कुशल और स्थायी सेना की प्राप्ति हुई थी। गयासुद्दीन ने सैन्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभ घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया रिकॉर्ड करने की व्यवस्था को बनाए रखा। बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन द्वारा अपनी सेना के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाता था। मतलब बहुत ही प्यार करता था सेना से, समय पर सैलरी और सारी बातों की सुविधाएं उपलब्ध कराता था। मुक्त और वली नामक करों के माध्यम से सैनिकों के वेतन को काटने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। मतलब सैनिक से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, जो एक दौर में सैनिक को टैक्स देना पड़ता था। उल्लेखनीय कि इस व्यवस्था का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत के किसी शासक के द्वारा किया गया, इसके बारे में तो पता नहीं कि ये टैक्स किसने लगाया था, लेकिन इस टैक्स को गयासुद्दीन तुगलक ने हटाया। इसके अलावा गयासुद्दीन द्वारा सैनिकों के वेतन संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी भी स्वयं रखी जाती थी। सैनिकों के वेतन को भी राज्य की आर्थिक क्षमता और राजकोष के आधार पर उच्चतर बनाए रखा गया। वस्तुतः सैनिक संतोष और सैनिक क्षमता के फलस्वरूप ही गयासुद्दीन लगभग समस्त दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। जब सैनिक खुश थे, सैनिक संतुष्ट थे, तो युद्ध कार्यक्रम जब भी होते थे, किसी भी युद्ध के लिए जाता था तो विजयी लौट कर आता था। बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को भी संगठित किया, जिससे मार्ग लुटेरों से सुरक्षित हो गए और कृषक निर्भय होकर कार्य करने लगे। गयासुद्दीन तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। गयासुद्दीन तुगलक ने मूलतः लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से शासन व्यवस्था का संचालन किया। वस्तुतः इसके पीछे एक प्रमुख आधार यह भी था कि वह स्वयं भी उदारवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। साथ ही समय तक दिल्ली सल्तनत काल की स्थापित हुए लगभग 100 से अधिक वर्ष हो चुके थे। इसी कारण कई तुर्की लोग भी भारत में स्थायी निवास करने लगे थे और स्थायी जनता के साथ उनके सामाजिक संबंध स्थापित हो चुके थे। गयासुद्दीन लोक कल्याणकारी परिप्रेक्ष्य में कृषि व्यवस्था में सुधार, नहरों और कुओं का विकास, भू राजस्व की निश्चित दर, निर्धनों की आर्थिक सहायता के साथ ही कन्या विवाह जैसे कार्य किए। हालांकि हिंदू जमींदारों के प्रति गयासुद्दीन ने कठोर राजस्व नीति का अनुसरण किया, किंतु वस्तुतः यह कूटनीति कदम था ताकि अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर वह सुल्तान के विरुद्ध गुटबंदी न कर सके। इस तथ्य को इस दृष्टि से समझा जा सकता है कि उसने जमींदारों को एक प्रकार से समस्त परंपरागत अधिकार वापिस लौटाए। उदार दृष्टिकोण का था, लेकिन हिंदू जमींदार उस समय भी काफी मजबूत स्थिति में थे, तो हमेशा एक डर बना रहता था कि इनके द्वारा विद्रोह ना हो जाए, और इसी कारण से उन पर टैक्स कई बार ज्यादा लगाया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की साम्राज्य विस्तार की नीति। मूलतः गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखने वाला शासक था। यह भी चाहता था कि मेरा शासन दूर दूर तक फैले। इसी क्रम में उसने उत्तर भारत में अपनी प्रशासनिक और संप्रभु स्थिति को मजबूत किया। गयासुद्दीन दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित कराने वाला पहला सुल्तान बना। जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने लूटपाट के मकसद से या कई बार जीत भी लिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। पर गयासुद्दीन दक्षिण भारत को डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करने वाला पहला सुल्तान था, और उन्होंने अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। आइए जरा एक नजर देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की लड़ाइयां। 1323 वारंगल विजय। गयासुद्दीन ने दक्षिण भारत में
साम्राज्य विस्तार के संबंध में सबसे पहले 1323 ईस्वी में वारंगल वर्तमान में तेलंगाना में नियंत्रण स्थापित किया। वारंगल पर अधिकार प्राप्त करने में गयासुद्दीन के पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका पहले नाम जूना खां था, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक का भी नाम पहले अलग था, शासक जब बना तो गयासुद्दीन तुगलक नाम रखा, तो जूना खां ने मदद की थी या जूना खां ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इससे पूर्व में वारंगल पर विजय प्राप्त करने के क्रम में, मतलब इसके पहले भी वारंगल पर उनने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वारंगल की पहली लड़ाई में गयासुद्दीन तुगलक हार गया था। दूसरी बार वह विजयी हुआ। वारंगल के तत्कालीन काकतीय राजा रुद्रदेव ने 1321 ईस्वी में उन्हें पराजित कर दिया था, लेकिन 1323 में वो वारंगल जीत जाते हैं। इसके बाद 1324 ईस्वी में जूना खां के नेतृत्व में जाज नगर विजय के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। इस विजय की जानकारी राज मुंदरी से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। उल्लेखनीय कि इसी अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। तो जूना खां जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है, उसे दुनिया का खान कहा जाने लगा जब उन्होंने 1324 में जाज नगर विजय के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। जाज नगर उड़ीसा में वैतरणी नदी के तट पर स्थित एक स्वशासी प्रांत था। तो वैतरणी नदी के तट पर यह जो शासन करते थे वह अपनी मर्जी से करते थे, किसी के अंतर्गत नहीं थे। फिर 1324 में ही तिरहुत विजय भी प्रारंभ की। जाज नगर विजय से लौटते समय जूना खां ने धन लूटने के उद्देश्य से वर्तमान उड़ीसा के तिरहुत नामक प्रांत पर आक्रमण कर दिया और इस दौरान जूना खां ने तत्कालीन तिरहुत शासक हरसिंह देव को भी पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। तो उद्देश्य लूटने का था, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो भी जीत जाएगा। फिर मंगोल विजय, जिस समय जूना खां दक्षिण भारत के अभियानों में व्यस्त था, जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, तो नीचे वह युद्ध कर रहा था, उसी समय मंगोलों का पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को परास्त कर दिया। और यहां से शुरू होता है गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु का पूरा षड्यंत्र। बंगाल विद्रोह का दमन, वारंगल की तरह बंगाल ने दिल्ली में खुसरो खां के शासनकाल के दौरान व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया था। मतलब जो अंतिम शासक था जो खिलजी वंश का, उसी दौरान बंगाल में विद्रोह उठता ही गया। और अब मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बंगाल की जनता या बंगाल के जो शासक होते थे, जब भी उन्हें लगता था कि केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, वो विद्रोह कर देते थे। और मुझे इसका प्रभाव आज भी लगता है, मुझे आज भी लगता है कि जब भी दिल्ली की केंद्र सरकार कमजोर होती है, बंगाल सबसे ज्यादा विद्रोह करता है। जब प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध हुआ, तब भी बंगाल के शासकों का विद्रोह था। बंगाल बड़ा संपन्न क्षेत्र रहा है बहुत ही लंबे समय से। दिल्ली सल्तनत काल में भी हमें दिख रहा है कि बंगाल में विद्रोह हुआ सबसे पहले, जैसी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। और वर्तमान में भी कई बार ऐसा लगता है कि जब भी दिल्ली में हम कहेंगे कि गठबंधन की सरकार होती है, तो बंगाल की सरकार सबसे पहले या बंगाल से चुने हुए प्रत्याशी सबसे पहले विद्रोह के सुर उत्पन्न करते हैं। तो काफी लंबी कनेक्टिविटी है, काफी लंबा इनका अनुभव है, चीजों को देखते हैं कि जैसी केंद्र की सत्ता कमजोर है विद्रोह कर देते हैं। तो वारंगल की तरह बंगाल ने दिल्ली में खुसरो खां के शासनकाल के दौरान व्याप्त अस्थिरता का लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया, जो 1324 ईस्वी तक अधिक मुखरित हो गया। अतः गयासुद्दीन ने बंगाल के तत्कालीन शासक गयासुद्दीन बहादुर को बंदी बना लिया और बंगाल विद्रोह का दमन कर दिया। तो उन्हीं के नाम का था गयासुद्दीन बहादुर, उसे बंदी बना लिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तुगलक एम्पायर आप देख सकते हैं, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान तुगलक एम्पायर बहुत तेजी से और विस्तारित होगा। ये तुगलक एम्पायर का एरिया है जो हम आपको 1320 में लेकर जा रहे हैं।
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, जब गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह के सुल्तान काल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का प्रशासक था, तो उस दौरान खुसरो शाह द्वारा प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया को व्यापक धन दक्षिणा के रूप में पैसा दिया गया था। मैं आपको कहानी याद दिला दूं, भाई खुसरो शाह अंतिम शासक था उस समय, गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का उत्तराधिकारी या कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था कि वो यहाँ का शासन देखेगा, उत्तर पश्चिमी सीमा का। उत्तर पश्चिमी सीमा राजस्थान हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र ले लीजिए, तो उस जगह का शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो कि पहले मलिक मुबारक के नाम से वहां का प्रशासक नियुक्त किया गया था, मतलब वो दिल्ली सल्तनत के अंतर ही एक अधिकारी है मान लीजिए। तो जो उस समय दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ सुल्तान था उसने सूफी संत को बहुत दान दिया था। सुल्तान काल में उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रशासक था, उस दौरान खुसरो शाह ने प्रसिद्ध सूफी निजामुद्दीन औलिया को व्यापक धन दक्षिणा के रूप में दिया था, और गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह की इस धार्मिक प्रवृत्ति से असंतुष्ट था। अतः दिल्ली का सुल्तान बनते उसने निजामुद्दीन औलिया से खुसरो द्वारा दिए गए धन की वापसी की मांग की। इससे निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य संबंधों में तनाव आ गया। इस दौरान गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली के समीप सुरक्षित प्राचीर से युक्त एक विशाल किले का निर्माण भी कर रहा था। तो वह पूरे मजदूर एक किला बनाना जा रहा था गयासुद्दीन तुगलक, ताकि मंगोलों के आक्रमण से बचाया जा सके, और जल्दी बनाना चाहता था। तो जितने मजदूर थे सबको वह काम पे लगा देता था, लेकिन मजदूर रात के समय निजामुद्दीन औलिया एक कुआं बनवा रहा था, उस बावड़ी के निर्माण में चले जाते थे मजदूर। गयासुद्दीन चाहता था कि इस किले का निर्माण शीघ्र संपन्न हो, तो उसने शहर के सारे मजदूरों को निर्माण कार्य में लगा दिया। और इसी समय निजामुद्दीन औलिया भी एक बावड़ी का निर्माण करवा रहा था, जिस पर श्रद्धापूर्वक मजदूर रात्रि में कार्य करते थे। बंगाल विद्रोह के दमन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक को अपने पुत्र जूना खां के निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बनने और औलिया द्वारा जूना खां के सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की सूचना मिली। पिता को पता चल रहा है कि अपना बेटा मेरे शत्रु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है, और वो औलिया कह रहा है कि आने वाले भविष्य में तुम ही सुल्तान बनोगे। इस खबर से पिता विचलित हुए और उन्होंने तत्काल में औलिया से कहा कि अब मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम दिल्ली की जमीन से गायब हो जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, सुल्तान दिल्ली अभी दूर है। यही से गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। दरअसल निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली तथा समीपवर्ती क्षेत्र में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत लोकप्रियता थी, और इसलिए गयासुद्दीन तुगलक औलिया को मृत्युदंड अथवा उसकी हत्या नहीं कर सकता था। इसी संदर्भ में सूफी संत ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, हनुज दिल्ली दुरुस्त, दिल्ली अभी दूर है। 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद वापस दिल्ली लौटने समय दिल्ली से कुछ दूर जूना खां, सुल्तान का पुत्र जूना खां द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल के गिर जाने से सुल्तान की मौत हो गई। हालांकि कई इतिहासकारों का मत है कि सुल्तान की मृत्यु उसी के पुत्र जूना खां ने करवाई थी, जिसका झुकाव निजामुद्दीन औलिया के प्रति अधिक था। संभवतः निजामुद्दीन औलिया इस षड्यंत्र से अवगत थे, और उल्लेखनीय कि लकड़ी के महल को बनाने वाला कारीगर अहमद नियाज था। बिल्कुल अफरोज, कई इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें जानकारी नहीं थी। कई इतिहासकार कहते हैं कि जानकारी थी। फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जब भी इतिहास पढ़ो तो केवल चीजों को, क्योंकि वास्तविकता तो तब पता चलेगी जब रिकॉर्डेड वीडियो सामने आएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो मतलब उस दौर के कैमरामैन कोई होगा, मतलब हो सकता है टाइम मशीन बने, फिर कहानी को रिकॉर्ड करके देखा जाए कि ओरिजिनली क्या हुआ था। अनुमान है, सारी बातें जो बताई जा रही है कुछ प्रमाणों के आधार पर, कुछ इतिहासकारों का विचार है,
हर इतिहासकार का अपना एक दृष्टिकोण होता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ओलिया जी सब जानते थे, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो इतने बुजुर्ग हो गए थे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वो चार पाई पर थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह पूरी तरह से उनके पुत्र के द्वारा सुल्तान बनने की जो इच्छा उनके अंदर पैदा हुई थी, कि ओलिया ने केवल कहा था कि तुम भविष्य में सुल्तान बनोगे, लेकिन अब उनके अंदर सुल्तान बनने की लालसा पैदा हो गई थी और वह जल्द से जल्द सुल्तान बनना चाहते थे और इसीलिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पिता पुत्र में ऐसी कोई बात थी नहीं कि वो सुल्तान की कोई जल्दबाजी करेगा, यह केवल एक दुर्घटना मात्र थी। तो ऐसा कोई तनाव मत लीजिएगा कि इतिहास में यही क्यों वही क्यों, हम सुनते चल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि यह है वो है। प्रश्न जब एग्जामिनर बनाएगा तो वो अनुमानों के आधार पर ही बनाएगा, जहां पर पूरी श्योरिटी होगी, जहां पर भी विवाद के बिंदु होते हैं एग्जामिनर ऐसे विवाद के बिंदुओं को इतिहास में प्रश्न के रूप में नहीं बनाता, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में जरूर बना सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पीछे विभिन्न कारक जो थे, क्या आपको लगता है कि वह फिर से केवल सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा में निहित थे। कई सारी बातें मेंस में लिखी जा सकती, लेकिन ऑब्जेक्टिव में विवादों से परे बातें पूछी जाती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑब्वियसली गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की इस तरीके से 1325 में मृत्यु होती है, 5 साल तक का ही शासनकाल, लेकिन फिर भी प्रशासनिक स्तर पर बहुत परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हमें आर्थिक स्तर पर भी देखा, कृषि के सुधार हमें देखने को मिले। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की कई सारी कठोर नीतियों को त्यागा, कर को कम किया, कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सुधारों का काल चल रहा है, हल्के पुलके ही सही लेकिन थोड़े बहुत सुधार हो रहे हैं, जो कि अभी तक दोनों जो वंश थे, गुलाम वंश और खिलजी वंश, इनके द्वारा नहीं किया गया। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। 1320 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना तो जूना खां ने उलुग खां की उपाधि धारण की थी, उलुग खां नाम रखा था। इसके अलावा राजमुंद्री के अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहकर भी संबोधित किया गया। अब मैं मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ने से पहले बता दूं कि कुछ लोगों की किस्मत सोई रहती है, कुछ लोगों की किस्मत मरी हुई रहती है, कुछ ऐसा ही व्यक्ति है ये, जो भी करेगा सब उल्टा ही होगा। इतिहासकार कहते हैं कि किस्मत का एक तरीके से गरीब आदमी था, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पागल आदमी था, कभी भी कुछ भी निर्णय ले लेता था। सिक्कों के बदलने की कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने कि मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो सिक्कों का निर्णय भी खुद ही कंफ्यूज कि क्या करना है। अपनी राजधानी को बदलने का बहुत बड़ा निर्णय, वो भी दिल्ली से बहुत दूर दौलताबाद, महाराष्ट्र के देवगिरी में, बहुत दूर की राजधानी का निर्माण। शायद उसके पीछे सोच रहा होगा कि दक्षिण भारत में अब इससे मजबूती आ जाएगी, बट दिल्ली जैसा एक महत्वपूर्ण केंद्र छोड़कर दूसरी जगह राजधानी बनाना ये भी विफल रहा। तो ओवरऑल कहें तो कई सारी जगह पर मोहम्मद बिन तुगलक को जब आप पढ़ेंगे तो अंदर से ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा तो सोच समझ कर निर्णय लिया करो, कभी भी कुछ भी कर लेते हो, कभी मूड हुआ तो ये कर दिया, कभी मूड हुआ तो ये, हर दिन एक नई नीति, हर दिन एक नई प्लानिंग, हर दिन एक नई योजना, हर दिन एक तरीके से कोई भी निर्णय, कोई विश्लेषण नहीं। और कभी कोई निर्णय लेने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसका विश्लेषण भी नहीं करेगा गरीब आदमी कि वो प्रॉब्लम क्यों आई, फिर निर्णय पलट देगा। चारों तरफ से निर्णयों से घिरा हुआ व्यक्ति है और बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वही है ना कि जैसे कि भाई एक व्यक्ति जिसकी सक्षमता योग्यता नहीं, उसको पद मिल गया तो फिर चले जा रहा है जीवन। आइए जरा देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कैसा जीवन रहा इन महाशय का। मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर आवाज सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि काश मैंने ढंग से शासन किया होता तो आज इतिहास में मुझे पढ़ाने वाले लोग मुझे पागल नहीं कहते, मुझे भी थोड़ा सम्मान देते। इसलिए जीना ऐसे हैं
कि इतिहास में या तो गुमनाम रही है, और अगर नाम हो तो सही नाम हो, क्योंकि बदनामी ये तो केवल जिंदगी भर के लिए गालियां खाने का काम है कि मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं। इसलिए आइए जरा देखते हैं जिंदगी कैसे गुजरती है। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन नीतियां। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक कहेगा कि भाई ये जो दिल्ली का दोआब क्षेत्र है ना, ये बहुत ही अलग जमीन है, यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ के लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान में टैक्स नहीं होता है, कम कमाने वालों को कम टैक्स, ज्यादा कमाने वालों को ज्यादा टैक्स, जैसे इनकम टैक्स होता है, तो प्रगतिशील कर की कल्पना कर सकते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान बनते ही अपने राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि के लिए उपयुक्त दोआब के क्षेत्र में भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया और साथ ही कुछ अतिरिक्त कर भी लगा दिए। वस्तुतः मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि दोआब क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और इस पर तुलनात्मक रूप से अन्य प्रदेशों के बजाय अधिक कर लगना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के दृष्टिकोण को वर्तमान के प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स के रूप में समझा जा सकता है। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा करने से पूर्व कोई विश्लेषण और विचार विमर्श नहीं किया और केवल अपनी मानसिकता के आधार पर कर में वृद्धि कर ली। यही गलती करता है मोहम्मद बिन तुगलक। कोई विचार विमर्श नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस उसे लग रहा है कि करना है, कर डालेगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी गलती यह कर दी कि दोआब क्षेत्र में यह कर वृद्धि उस समय की जब अकाल की स्थिति होने के कारण पैदावार बहुत कम हुई थी। अब ये देखो किस्मत, जब उसने सोचा कि दोआब के क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा टैक्स लेंगे, उसी साल अकाल पड़ा और उसी साल टैक्स भी बढ़ा दिया। दोहरी मार लोगों पर पड़ेगी तो लोग ज्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे। यही है इसकी किस्मत कि जैसे ये कोई निर्णय लेगा, समझ जाना कि काम उल्टा शुरू हो जाने वाला है। तो उसी साल अकाल की स्थिति बनी। इस दोआब क्षेत्र की जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ सुल्तान के प्रति आंतरिक असंतोष की भावना व्याप्त हुई। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कर की वसूली के लिए कठोर नीति का अनुसरण किया। हालांकि किसानों की दुर्दशा को समझते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया, कुआं खुदवाने पर आर्थिक सहायता देने जैसे कदम भी उठाए, किंतु यह प्रयास काफी विलंब से किए गए और अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की यह नीति असफल रही। पहली असफलता। और मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई बार कि ज्यादा बेटर होता अगर उसके पिता होते तो शायद उसको सलाह मशवरा देते, अनुभव देते कि नहीं यहां ये निर्णय गलत है, यहां ये निर्णय सही है। अब कोई भी है नहीं, पिता विता अकेले को ही सब कुछ करना है तो चल रहा है जो मूड में आ जाए। फाइनली पहली असफलता और पहला मतलब एक तरीके से पागलपन गलत साबित हुआ। अमीर ए कोही की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। कृषि सुधारों को सच में कहीं कोई व्यक्ति अगर दिल्ली सल्तनत काल में करना चाहता था तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि कार्य के सुधारों को मजबूत करने के लिए अमीर एक कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। इस विभाग के माध्यम से राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए गैर कृषि भूमि को कृषि भूमि में बदला जाता था, मतलब जो भी बंजर भूमि होती थी उसे कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाता था। इस हेतु सुल्तान द्वारा व्यापक मात्रा में धन खर्च किया गया, किंतु रणनीति के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार का निगरानी तंत्र नहीं था। तो अमीर कोही की स्थापना की ताकि कृषि के लिए कृषि भूमि बढ़ाई जा सके, लेकिन काम कैसा हो रहा है, क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, उसके परिणाम आ रहे कि नहीं, इसके लिए कोई निगरानी नहीं, बस ये काम कर डालना है।
साथ ही योजना के लाभ और मानदंडों के संबंध में कृषकों को जागरूक भी नहीं किया, फलस्वरूप योजना के लिए आवंटित धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसका स्वाभाविक परिणाम योजना की विफलता के रूप में प्राप्त हुआ। चूंकि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केवल 2 वर्ष में ही लगभग 70 लाख रुपए वर्तमान के स्तर पर खर्च कर दिए गए और परिणाम लगभग 0 थे, अतः राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। तो पहले तो कर बढ़ाया, जिस साल कर बढ़ाया उसी साल आकार गिरा। फिर उन्होंने एक नया विभाग बनाया ताकि कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया जा सके। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन निगरानी तंत्र नहीं बनाया, तो पूरी तरह से वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। जो नीति राजकोष को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, वही नीति राजकोष पर आर्थिक दबाव पैदा कर रही है। अब पैसा और खजाना खाली होने पर आना शुरू हो जाएगा। इससे मोहम्मद बिन तुगलक को और अधिक कठोर आर्थिक नीति के अनुसरण के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार जिस योजना को रणनीतिक रूप से आय सृजन के लिए लागू किया था, वही योजना राजस्व में घाटे का कारण बनी। राजधानी स्थानांतरण, तो 2 निर्णय तो पागलपंती के भेंट चढ़ गए, अब तीसरा वो बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं अपनी राजधानी को बदलने का। तो आइए जरा देखते हैं किस तरीके की चीजें यहां पर बढ़ती चली जा रही हैं। राजधानी स्थानांतरण, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में 2 वर्ष के बाद ही दिल्ली के स्थान पर देवगिरी महाराष्ट्र को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित कर दिया और देवगिरी का दौलताबाद के रूप में नया नामकरण किया। उल्लेखनीय है कि दौलताबाद को कुवतुल इस्लाम के अन्य नाम से भी जाना जाता है। अब सोचिए कहां दिल्ली है और ये जनाब जाना कहां चाह रहा है, सोचिए कोई भी ये निर्णय कैसे ले सकता है। और दौलताबाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ख्याति प्राप्त क्षेत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी कोई पहले से पहचान है। ये पूरा नया निर्माण करना चाहता है, जेब मतलब खाली हो चुकी है, जो भी उम्मीदें थी आर्थिक कमाई की वो न्यूनतम हो चुकी है, और इधर ये महोदय राजधानी परिवर्तित करने में लग चुका है। अब सोचिए कि राजधानी बदलने की बात कर रहा है और वो भी कहां ले जा रहा है राजधानी, कहीं बीच में ले जाता तो बात समझ में भी आती, सीधा दौलताबाद। हालांकि सुल्तान के इस कदम के पीछे वास्तविक उद्देश्य और मानसिकता स्पष्ट नहीं है, सुल्तान के हर कदम के पीछे मानसिक स्पष्टता है ही नहीं, किंतु इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः मंगोलों के आक्रमण के भय से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया। लेकिन सवाल यह है कि गयासुद्दीन तुगलक के दौर में ही मंगोलों को परास्त कर दिया था, तो मंगोलों का डर ही नहीं रहा था अब तो। स्वाभाविक तौर पर राजधानी के स्थानांतरण से व्यापक स्तर पर धन खर्च हुआ था, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। विश्लेषकों का मत है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में ही मंगोल आक्रमण का भय लगभग समाप्त हो गया था। यदि मोहम्मद बिन तुगलक को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित भी होना था तो उसे राजधानी स्थानांतरण के बजाय सैन्य क्षमता और दुर्गबंदी पर अधिक बल देना चाहिए था। इससे स्वाभाविक तौर पर परिणाम भी प्राप्त होते और अनावश्यक रूप से खर्च होने वाले धन भी बच जाता। इसके अलावा राजधानी स्थानांतरण की योजना इसलिए भी विफल रही कि सल्तनत के प्रमुख पदाधिकारी ने भावनावश होकर अपने ग्रह को त्यागने में असहजता प्रकट की। इस कारण कई योग्य पदाधिकारियों ने नई राजधानी दौलताबाद में जाने से मना कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मैं उनके बगैर भी शासन कर लूंगा। एक धारणा यह भी है कि दिल्ली इस समय तक सल्तनत काल के लिए न केवल एक राजधानी थी बल्कि प्रतिष्ठा और श्रद्धा का केंद्र भी बन गई थी, जबकि नई राजधानी के प्रति ऐसी कोई धारणा विकसित नहीं हुई। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्तु स्थिति को समझते हुए अपने राजधानी स्थानांतरण के निर्णय को पलट दिया, किंतु ऐसा करने में काफी विलंब हो गया और जनता और पदाधिकारियों में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। हर जगह
हर जगह जो भी कदम उठा रहा है वहां पर वह व्यक्ति निर्णय बदल ही दे रहा है। अब आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन को? दूरदृष्टि की कमी, विश्लेषण की कमी, मानसिक दिवालियापन? क्या कहेंगे कि हर कोई निर्णय और निर्णय लेने के बाद बहुत देरी से वापस भी और नुकसान ही करके आ रहा है, हर जगह नुकसान ही करके आ रहा है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अब क्या हुआ कि इस दौरान जब यह दक्षिण भारत में कई विजय प्राप्त कर चुका तो इसके पास सोना और चांदी का खजाना बढ़ चुका था, तो इन्होंने सोने और चांदी में सोने के काफी ज्यादा सिक्के, मोटे और ज्यादा भार वाले सिक्के बना दिए कि बोले सोने की कोई कमी नहीं है, बड़े भार वाले सिक्के दे दो। लेकिन जब वेतन में वो सिक्के चले गए तो फिर कोष खाली पड़ गया, पैसा खाली हो गया। तो अब जनाब ने क्या किया कि तांबे के सिक्के चलवाए, लेकिन तांबे के सिक्के जब चलाए तो भूल गया कि तांबा लोगों के पास होता है भाई, सोना सबके पास थोड़ी होता है, और जिसके पास भी सोना होगा वो कॉपी क्यों करेगा, सोना अपने आप में एक बहुत मूल्य रखती है। पर तांबे के सिक्के बनाने लग गए लोग अपने घरों में, हर एक घर में तांबे के सिक्के बनने लग गए, और जो टैक्स वसूला जाता था वो तांबे के सिक्कों में, तो तांबे का सिक्के का खजाना बन गया, लेकिन खुद का खजाना पूरा खाली हो गया। तो इस कारण से यह भी निर्णय, अब अगर वो निर्णय बदल दे और तांबे के सिक्के रद्द कर दे, फिर कंफ्यूजन, फिर कौन से सिक्के चलेंगे, क्योंकि सोना चांदी तो बचा नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, हम कह सकते हैं ना कि बिन तुगलक ने जो भी काम किए बिना विचार किए, बिना सोचे समझे, बिना विश्लेषण किए, बिना पूर्वानुमान के हर जगह पर फंसता चला गया बेचारा, हर जगह पर। मतलब बेचारा शब्द इसलिए क्योंकि एक निर्णय तो सही हो जाता है, एक निर्णय तो टैक्स वसूला, उसी समय अकाल आया, एक विभाग की स्थापना की उसमें भ्रष्टाचार हो गया, दक्षिण में दिल्ली, दक्षिण में राजधानी ले जाने की कोशिश की लेकिन पैसा खर्च होकर वापस दिल्ली में ही आ गया। अब फाइनली मुद्रा का बदलाव कर रहा है। मुद्रा के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्लेखनीय परिवर्तन किए, मुद्रा विशेषकर सिक्कों के संबंध में विशिष्ट परिवर्तन करने के कारण प्रमुख पाश्चात्य इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने, पश्चिमी इतिहासकार एडवर्ड थॉमस मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों के युवराज की उपमा देता है, क्योंकि अमीर इससे और अमीर हो गया। वस्तुतः मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा के संबंध में किए गए परिवर्तन धनी व्यक्तियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुए और इसलिए उन्हें इस प्रकार की संज्ञा दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने तत्कालीन कम वजन वाले सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर दीनार नामक एक नए सोने के सिक्के का प्रचलन किया। चांदी के स्थान पर प्रचलित किए जाने वाले सोने के नए सिक्कों को अदली कहा जाता था, मतलब चांदी की जगह सोना दिया गया। इतिहासकारों का मत है चूंकि दक्षिण भारत के अधिकांश प्रदेश दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र अधिकार में आने के कारण पर्याप्त मात्रा में राजस्व में सोने की आपूर्ति हो रही थी, संभवतः इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक के मस्तिष्क में सोने के नए और अपेक्षाकृत अधिक वजन वाले सिक्के प्रचलित करने का विचार आया। इसका एक अन्य किंतु गौण कारण दक्षिण भारत से अधिक सोने और चांदी की आपूर्ति के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रा स्फीति भी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो निर्णय था मोटे और ज्यादा भारी सिक्कों को बनाने का, ताकि इसके कारण कहीं कीमतें ना बढ़ जाएं, क्योंकि जब भी आपूर्ति बढ़ती है तो आप जानते हैं कि कीमतें आसमान छू जाती है, तो मुद्रा स्फीति आ सकती थी। तो उन्होंने कीमतों के न बढ़ने के लिए जो पहले चार सिक्कों के लिए जितना सोना लगता था अब उसको दो सिक्कों का ही निर्माण किया, तो ताकि मुद्रा उतनी ही रहे पर सोने का वजन बढ़ जाए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने साधारण वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए दोकनी और सुल्तान नामक गैर सोने गैर चांदी के सिक्के चलाए। डिजाइन के दृष्टि से ये सिक्के अत्यधिक विख्यात थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन और फारस के समतुल्य तांबे और पीतल के टोकन सिक्के भी चलाए। तो तांबे और पीतल के सिक्के उस दौर में चीन और फारस में भी चलते थे, इन्होंने भी चलाए। इतिहासकारों का मत है कि तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख उद्देश्य अपने राजकोष में वृद्धि करना और नवीन नीतियों के संचालन के लिए अतिरिक्त धन की प्राप्ति करना है।
किंतु नई मुद्रा के प्रचलन के संबंध में मोहम्मद बिन तुगलक की समस्त नीति असफल सिद्ध हुई। वस्तुतः एक प्रमुख कारण यह था कि नई मुद्रा के प्रचलन की यह नीति समय से बहुत आगे थी और अचानक से लागू की गई, जिसके प्रयोग के लिए सामान्य जनता के साथ पदाधिकारी भी तत्पर नहीं थे। तांबे और पीतल के सिक्कों की नकल करना भी आसान था, क्योंकि यह धातु जनता के पास सरलता से उपलब्ध थी और सिक्के को ढालने की पद्धति इतनी विशुद्ध नहीं थी कि उसकी नकल न की जा सके। साथ ही तांबे और पीतल के इन सिक्कों का प्रयोग साधारण जनता द्वारा किया जाता था, अतः सामान्य बाजार में नकली सिक्कों का चलाना कठिन नहीं था और न ही सुल्तान ने इस संदर्भ में कोई नियंत्रणकारी व्यवस्था स्थापित की। इतना ही नहीं, साधारण जनता द्वारा भू राजस्व के रूप में जमा करवाया जाने वाला धन भी अधिकांशतः इन्हीं नकली सिक्कों के रूप में राज्य के कोष में जमा करवाया जाने लगा। अंततः सुल्तान ने तमाम नए सिक्कों का प्रचलन प्रतिबंधित कर दिया, किंतु तब तक काफी देरी हो गई थी और पुनः पुरानी व्यवस्था को संचालित करने में कई समस्याएं आने लगी। अब करे तो क्या करे, सोचते तो बहुत कुछ है, प्लानिंग तो बहुत कुछ है, दुनिया बदलने की ख्वाहिश है, लेकिन कुछ विश्लेषण तो कर लेते, कुछ विचार विमर्श तो कर लेते, कोई आर्थिक सलाहकार से जानकारी तो जुटा लेते। कभी सिक्कों का वजन बढ़ा दे रहे हो, जब उसकी कमी हो रही है तो फिर सिक्के पीतल और तांबे के चला रहे हो, फिर उसकी कॉपी हो रही है तो वापिस व्यवस्था वही लेकर आ रहे हो, तो करना क्या चाहते हो? तो क्या आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का हर निर्णय औंधे मुंह गिर रहा है? मतलब ऐसा कोई निर्णय, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति की किस्मत राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद सदा सदा के लिए सो गई, और हर बार जो भी निर्णय, मतलब एक निर्णय तो सही हो जाता, एक निर्णय तो सही हो जाता, लगातार बेचारा घिरा हुआ है। तो गयासुद्दीन तुगलक, जहां पर 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन, धन की बहुत सारा, एक तरीके से राजकोष को मजबूत किया प्राप्ति, धन की प्राप्ति से, लेकिन वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक जूना खा जोना खा, जो कि उनका बेटा था, किस्मत ऐसी खराब कि कोई भी निर्णय ले और हर निर्णय गलत आ जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की साम्राज्यवादी नीति, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक भी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी नीति का पक्षधर था, किंतु जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना तो पर्याप्त क्षेत्र तक सल्तनत का विस्तार हो चुका था। विस्तार करना तो ये भी चाहते हैं, लेकिन विस्तार हो चुका है, अतः उसने नवीन क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय विद्यमान क्षेत्र को केंद्रित करने पर अधिक बल दिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान कई क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जिससे उसकी दृढ़ता की नीति को और बल मिला। मतलब एक तरीके से विद्रोही हुए थे, बस विस्तार तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उस दौरान वो केवल विद्रोह को दबाएगा और विद्रोह को समाप्त करेगा। उदाहरण के लिए 1327 में बहाउद्दीन गुरशाप्त ने दक्कन के गुलबर्ग क्षेत्र के संदर्भ में सल्तनत की संप्रभुता मानने से मना कर दिया, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक ने सफलतापूर्वक दमन किया। तो कुछ क्षेत्रीय राजाओं ने विद्रोह किया बस। 1328 में सिंध और मुल्तान के जागीरदार आईबा खां उर्फ किशलू खां के विद्रोह का भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दमन किया। 1340 में अवध के सूबेदार एनल मुल्क के विद्रोह को भी मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त किया, और इसके अलावा सिंध और मुल्तान के विद्रोही शाह अफगान के विद्रोह का भी अंत किया। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक 1346 ईस्वी में दक्षिण के मदुरा में होयसल वंश का भी मोहम्मद बिन तुगलक ने पतन किया। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए गुजरात का विद्रोह अंतिम सिद्ध हुआ। गुजरात के देवगिरी के शासक तारगी के नेतृत्व में कई हिंदू तथा विदेशी मुस्लिम अमीरों ने सल्तनत के प्रति विद्रोह कर दिया था। तो गुजरात का ये जो विद्रोह था, इसको समाप्त करने के लिए जब ये निकले तो उनकी वहां बीमार होने से मृत्यु हो गई। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह का अंत करने में सफल हुआ, किंतु अंततः इसी विद्रोह के दमन के दौरान 1351 में बीमारी के कारण मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। तो
तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक और अध्याय समाप्त। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा योग्य तो था ही नहीं, पर एक अच्छी बात क्या थी, वो शासन भी नहीं करना चाहते थे। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। आइए जरा देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक दृष्टिकोण से उदारता और सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। पूर्ववर्ती सुल्तानों के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन धर्म को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदुओं के दिवाली तथा होली जैसे त्योहारों में भी भाग लिया। तो एक उदार व्यक्ति था। यहां से उदारता धार्मिक क्षेत्र में और बढ़ी, लेकिन जैसे ही फिरोज शाह आएगा तो फिर विभेदनकारी नीतियां लाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को प्रमुख धार्मिक पद दीवान मुक्त खराज के पद पर नियुक्त किया। तो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को उन्होंने दीवान मुक्त खराज के पद से नियुक्त किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी उदार धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया अथवा सुल्तान ईश्वर का समर्थक को अंकित करवाया। यद्यपि सुल्तान ने उदार और सहिष्णु धार्मिक नीति का अनुसरण किया था, किंतु वस्तुतः यह एक छद्म नीति थी जिस कारण से स्मिथ और गार्डिनर ब्राउन जैसे इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को शैतान का अवतार बताते हैं। निष्कर्षतः मोहम्मद बिन तुगलक एक साहसी और वीर शासक के साथ एक परिवर्तनकारी शासक भी था, किंतु उसमें दूरदर्शिता का प्राय अभाव था। इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पर्याप्त विचार की अनेक प्रकार की असफल योजनाएं क्रियान्वित की। साथ ही इन योजनाओं में विद्यमान कमियों को दूर करने और विश्लेषण करने के बजाय पूरी योजना को ही क्रमिक रूप से बंद कर दिया। इसी कारण इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपाशु जैसे अलंकारों से संबोधित किया गया। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि कभी वह लगते हैं कि धार्मिक सहिष्णु हैं, कभी लगते हैं कि वो बहुत कठोर है, कभी लगता है कि उनकी आर्थिक नीतियाँ उदार थी, कभी लगता है कि नहीं उनकी आर्थिक नीतियाँ बहुत कठोर थी, कभी लगता है कि वह निर्णय जो ले रहे बहुत सोच समझ के, कभी लगता है कि पागलपंती कर ली है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा हैं, सुल्तान हैं, और हम कह सकते हैं कि सबसे तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा सुधार भी करता है, लेकिन यह भी धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा लेकर आ जाता है। इसके शासनकाल में उलेमा अब शासन कार्य में हस्तक्षेप करेंगे और बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य शुरू हो जाएंगे। एक तरीके से तालिबान जैसी नीतियाँ आपको इनके शासनकाल में महसूस होगी। महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो फिरोज शाह तुगलक की एक नाकामी भी मानी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का अगला सुल्तान बना। वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक प्रकार से अंतिम योग्य कुशल शासक था, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती तुगलक वंश के सभी सुल्तान अयोग्य और अकुशल थे। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी पुत्र योग्य नहीं था और न ही दिल्ली का सुल्तान बनने का इच्छुक था। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन की अंतिम अवस्था के दौरान ही फिरोज शाह तुगलक को अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक की नीतियाँ। फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बना तो पूर्ववर्ती शासक मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के कारण किसानों के साथ उलेमा तथा अमीरों के कई वर्ग असंतुष्ट थे, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें गलत ही होती थी। तो किसान भी दुखी थे, अमीर लोग भी दुखी थे, जमींदार भी दुखी थे, उलेमा भी दुखी थे।
तो अब ये सभी दुखी लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है भाई, उन्हें खुश करने के लिए जो वो मांग रहे उनको दे देगा, ये देखेगा नहीं कि उससे दूसरे समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य का राजकोष भी घाटे की स्थिति में चल रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इस क्रम में फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर बकाया सभी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया था माफ कर दिया, और इस प्रकार एक ऋण सोंधर भी था, सोंधर एक ऋण दिया गया था सुधार के लिए, इसे भी माफ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने मुशरीफ ए मुमालिक महालेखाकार नामक अधिकारी को किसानों के ऋण संबंधी रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश दिया कि कोई ऋण नहीं है बाकी, सब वो रिकॉर्ड समाप्त कर दो। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर के रूप में एक नए कर हक ए शर्ब को लागू किया, जो कुल सिंचित भूमि से प्राप्त उत्पादन का लगभग 10% था। तो जिनके पास सिंचाई के साधन थे, जिनके पास इरिगेशन की सुविधा थी, उनसे उन्होंने सिंचाई कर लिया, और उस सिंचाई कर को उन्होंने नाम दिया था हक ए शर्ब। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्ज, लगभग 24 प्रकार के कर्ज माफ कर दिए, जिसमें सोधर ऋण भी शामिल था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर हर के शर्ब लगाया, जो सिंचित भूमि का कुल उपज का 1/10 था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने राज्य की आय संबंधी लिखित ब्योरे निर्मित करवाए। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने राज्य की आय संबंधी लिखित ब्योरे निर्मित करवाए। संभवतः सरदारों और अधिकारियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक ने अलाउद्दीन द्वारा समाप्त जागीरदारी प्रणाली, जागीर के स्थान पर वेतन देने की प्रणाली पुनः लागू की। मतलब जो अमीर लोग थे, अब क्योंकि जमींदार लोगों को, जागीरदार लोगों को निश्चित एक तरीके से राजस्व वसूलना था, क्योंकि राज्य तय करता था कि कितना कर वसूल करना है, तो उनको वेतन देने की शुरुआत की फिरोज शाह तुगलक ने। ये वेतन वैसी ही बात है जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर्मचारी रखे थे, बट इसका अंतर यही है कि उन्होंने कर्मचारी नहीं रखे बल्कि जागीरदार जमींदारों को ही वेतन भी दिया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने सुल्तान का पद धारण करते समय अपने साथ ही सभी पूर्ववर्ती शासक मोहम्मद गौरी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा मतलब तारीफ है। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को शासक मानता भी नहीं था, उन्होंने खुद ही गुलाम के रूप में काम किया था और कभी उन्होंने अपने समय में भी खुतबा नहीं पढ़वाया था, तो इसलिए उन्होंने ऐबक को छोड़कर बाकी शासकों के खुतबे पढ़वाए। वस्तुतः इस दृष्टिकोण के पीछे जनता और प्रशासनिक वर्ग की संवेदना और सहानुभूति प्राप्त करना था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अमानवीय दंडों को समाप्त कर दिया, अपने विद्रोहियों के प्रति समाधान की नीति अपनाई। इनमें मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा ये जहां भी सम्मिलित था, जो स्वयं सुल्तान बनने की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा था। तो ये वैसी नीति अपना रहा है जैसे इसके पूर्ववर्ती जो सबसे बुजुर्ग शासक था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई थी कि अपने शत्रु को भी माफ कर देना, वैसी नीति अपना रहा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज के काल में न्यायिक व्यवस्था में धर्म गुरु और उलेमाओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, यही सबसे बड़ी गलती कही है कि इसके बाद फिर स्थिति खराब होगी। फलस्वरूप मुसलमान अपराधियों के लिए मृत्यु दंड की प्रथा को समाप्त कर दिया, जबकि गैर मुसलमानों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था कर दी गई। अपनी आत्मकथा फतुआते फिरोज शाही में फिरोज तुगलक ने उल्लेख किया है कि मुझे अल्लाह से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला है कि मैं मुसलमानों को अनुचित रूप से मारे जाने की प्रथा को बंद करूं। फिरोज तुगलक ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए सैनिक और असैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। मतलब अमीर लोग जो भी उससे नाराज थे, कहा कि नहीं, अब जो भी पद होगा वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पुत्रों को मिलेगा, बेटों को मिलेगा। परिणामतः सैनिक और प्रशासनिक दक्षता में कमी आई।
फिरोज तुगलक ने उलेमाओं का सहयोग पाने के लिए कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, उलेमाओं को विशेष अधिकार पुनः प्राप्त किए तथा शरीयत को न केवल प्रशासन का आधार घोषित किया बल्कि व्यवहार में भी उसे लागू किया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, फिरोज तुगलक ने उलेमाओं का सहयोग पाने के लिए कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, उलेमाओं को विशेष अधिकार पुनः प्राप्त किए, शरीयत को न केवल प्रशासन का आधार घोषित किया बल्कि व्यवहार में भी उसे लागू किया। ऐसा करने वाला सल्तनत का वह पहला शासक था। फिरोज तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। फिरोज तुगलक पहला शासक था तो जजिया को खराज से पृथक रूप से वसूल करता था, मतलब भू राजस्व के अलावा भी एक अतिरिक्त रूप से जजिया वसूला जाता था। साथ ही फिरोज ने नगर कोट के मंदिर को भी नष्ट किया। फिरोज तुगलक ने 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया जिनका शरीयत में उल्लेख नहीं था, केवल 4 ही प्रकार के भू राजस्व कर, खराज कर, खम्स लूट का सामान, जकात और जजिया वसूले। इनके अलावा कर के रूप में हक ए शर्ब सिंचाई कर, जो कृत्रिम सिंचाई नहरों से होने वाली सिंचाई का 1/10 भाग था। तो सभी करों को हटाकर केवल 5 कर हैं, 4 कर तो शरीयत के हिसाब से हैं और 1 कर उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया है, खराज, खम्स, जकात और जजिया। तो खराज का मतलब भू राजस्व कर, खम्स का मतलब लूट का सामान, जकात और जजिया, दोनों शब्द समझा देता हूं, थोड़ा इंतजार करिए, और सिंचाई कर हक ए शर्ब भी लिया। तो जजिया कर क्या था? वस्तुतः यह एक गैर मुस्लिम धार्मिक कर था। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया था जो कि निरंतर दिल्ली सल्तनत काल में बना रहा, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया जो कि अभी तक इस कर के दायरे से बाहर थे। जकात एक मुस्लिम धार्मिक कर था जिसका उल्लेख शरीयत धर्म में प्रारंभ से ही है, अर्थात यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा शुरू किया गया यह नहीं पता, किंतु इसे वसूला शासक के द्वारा ही जाता था। फिरोज ने प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति को अत्यंत सीमित कर दिया। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए फिरोज तुगलक मुस्लिम महिलाओं के पीरों की मजार पर जाने पर पाबंदी लगा दी। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए पीरों की मजार पर जाने पर पाबंदी लगाई, पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया, अनेक मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया। राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फिरोज तुगलक ने बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का प्रयत्न किया, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किंतु इसके बावजूद राजकोषीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि धार्मिक तुष्टिकरण की नीति का अत्यधिक अनुसरण करने के कारण वह अपने राजकोष का अधिकांश भाग धार्मिक कार्यों पर खर्च करने लगा। फिरोज तुगलक ने कृषि के विकास के लिए सतलज और यमुना से अनेक नहरें बनवाई, इनमें उलूक खानी, राजवाही नहरें प्रमुख थी। इन नहरों से दिल्ली, हरियाणा, आसपास के क्षेत्र में सिंचाई का विकास हुआ। इसी प्रकार फिरोज तुगलक ने फलों के 1200 बगीचे लगाए, फलों के निर्यात पर बल दिया। फिरोज शाह ने कई प्रकार के कारखानों का विकास किया। वस्तुतः सल्तनत काल में कारखानों का सर्वाधिक विकास फिरोज के काल में ही हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, कारखानों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी, विकास फिरोज तुगलक के काल में हुआ था। फिरोज ने स्थापत्य कला के विकास पर भी बल दिया। इसके लिए उसने वानी इमारत नामक नए विभाग स्थापित किए। इस विभाग के द्वारा अनेक मदरसे, प्राथमिक शिक्षण केंद्र, मकतबों, उच्च शिक्षण का केंद्रों का निर्माण हुआ। इस विभाग द्वारा फिरोज ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई, तो एक नया डिपार्टमेंट आ गया, वानी इमारत। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नासिरिया मदरसा खोजे शमसी की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाई थी, इल्तुतमिश गुलाम वंश के दौरान। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित खोजे खास की मरम्मत भी फिरोज तुगलक ने ही करवाई। तो एक तरीके से कई सारी जगह पर मरम्मत का काम किया गया। फिरोज तुगलक ने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। फिरोज के काल में 2 प्रमुख वास्तुकार थे, मली के सहना और इसी का शिष्य था अहमद। फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई। सल्तनत काल में सर्वाधिक दास फिरोज तुगलक के अधीन थे,
दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए। फिरोज ने दीवाने खैरात नामक विभाग स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था, उनकी बेटियों का विवाह करवाता था। दीवाने इस्तिहाक विभाग असहाय और अनाथ मुसलमानों को पेंशन देता था। रोजगार दफ्तर विभाग बेरोजगार मुस्लिम लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करता था। दारुल सफा में मुस्लिमों को मुफ्त में उपचार कराया जाता था। कुछ इतिहासकार फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने फिरोज तुगलक को कल्याणकारी लेकिन निरंकुश काल का शासक बताया। उल्लेखनीय कि अपने जीवन काल में उसके दो पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। अंततः 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पोता तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय के नाम से शासक बनता है। तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय। ओवरऑल कहे तो फिरोज शाह तुगलक के जो शासन काल है उस दौर में जो पुराने टाइम से चली आ रही चीजें थी वही चली। थोड़ा बहुत परिवर्तन धार्मिक क्षेत्र में देखा जाता है। उदारवादी नीति जरूर थी लेकिन वह कहीं ना कहीं धर्म पर आधारित थी। अधिकतर लाल लालियों को मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि जब भी आप इतिहास पढ़ो ना तो धर्म के आधार पर मत पढ़ा करो। देखो वर्तमान के साथ इसको मत जोड़ा करो कि ये इस धर्म के लोग ऐसे हैं उस धर्म के लोग ऐसे हैं। लोग लोग होते हैं। वास्तविक रूप में यदि आप मेरी बातों को समझ पाते हो थोड़ी परिपक्वता लाओ। इतिहास को केवल इतिहास के नजरिए से देखो कि वो सम्राट क्या कर रहा है, क्योंकि सम्राट कर रहा है उस समय की जनता क्या कर रही है इसके बारे में इतिहास में कोई विवरण नहीं है। तो राजा कभी कुछ कर दे, कोई बुरा कर दे, कभी कोई अलग अलग टाइप के राजा अलग अलग निर्णय लेते, तो उसके आधार पर ये मत सोचो कि धर्म ऐसे होते हैं इसमें ऐसा होता है। हमें यह समझना है कि इतिहास को सीखना है हमें इतिहास से कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके के कदम उठाएगा तो उसका परिणाम क्या होता है। तो थोड़ा सा कई सारे लाल लाली मैंने देखे कि कमेंट्स करने में एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को अभी आईएएस बनने के लिए और उससे पहले अपने मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है। आप सीखने के दृष्टिकोण से चीजों को जानिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप आईएएस बनेंगे तो आपका सीनियर, आपका जूनियर, आपका कलीग, हो सकता है केंद्रीय सत्ता किसी भी व्यक्ति के द्वारा चलाई जाए, आपको डेमोक्रेटिक रूल और संविधान के अनुसार काम करने हैं। तो ये जो चीजें केवल जानने का मजा लो कि उस दौर में क्या हुआ, उस दौर में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, हमें सीखने का मौका मिल रहा है। तो जब आप इतिहास को देखें तो जब टाइम मशीन से घर लौटे तो शत्रु बनकर नहीं, सीख कर लौटे, मैच्योर होकर लौटे, एक अपने अंदर संस्कृति विकसित कराए कि नहीं मैं चीजों को समझ रहा हूं और देख रहा हूं कि कैसा इतिहास बदलता चलता है। आइए देखते हैं उसके बाद। अब गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद खान कुछ समय के लिए बनता है। मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बनता है। फिर एक्चुअल में फिरोज शाह तुगलक के दो बेटे थे तो इसको धोखे से मारकर फिर उसके दूसरे बेटे का बेटा अबू बकर बनता है। चलते ही रहता है। फिर उसी रूप में नसीरुद्दीन मोहम्मद और फिर हुमायूं, जिसे अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश में कोई भी उत्तराधिकारी शासक नहीं हो सका जो दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था को कुशलता से संचालित कर सके। इसके साथ ही राजगद्दी को लेकर पारिवारिक संघर्ष भी निरंतर चलता रहा और जिस कारण से कोई शासक दीर्घ काल तक मजबूती से शासन नहीं कर पाया। हालांकि अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने लंबे समय तक शासन किया, किंतु इसी दौरान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अंततः पंजाब के सूबेदार खिजर खां के द्वारा आमंत्रित करने पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने लूटपाट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर बाग काफी नाम चलता है आज भी चर्चा में, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। तो ये लूटपाट के नजर से बुलाए गए थे। पंजाब के शासक ने सूबेदार खिजर खां ने बुलाया, कहा कि हमारे दिल्ली सल्तनत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वैसे भी उनको लूटा जा सकता है। अंततः दिल्ली का सुल्तान गुजरात भाग गया और तैमूर लंग ने दिल्ली को भी लूट लिया।
नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तैमूर लंग ने दिल्ली को लूट लिया, नसीरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया और कुछ समय के लिए दौलत खान नामक अफगान ने दिल्ली पर शासन किया। 1413 में प्राकृतिक कारणों से नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद खिज्र खां के नेतृत्व में, जो पंजाब प्रांत का था जिसने तैमूर को बुलाया था, दिल्ली में एक नए सैयद वंश का उदय करता है और यही खिज्र खां फिर बनेगा नया दिल्ली का सुल्तान। तो बाकी जितने भी शासक हैं वो अयोग्य थे, उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह शासन चला सकते थे। तो सैयद वंश को अब हम देखेंगे और सैयद वंश के बारे में जानेंगे। जल्द ही मैराथन क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं, आप तैयार रहिए 22 अक्टूबर से हमारे नए बैच के लिए भी। जब भी आपको अनएकेडमी पर कोई भी आपका परिचय किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले रहा हो तो एमके लाइव रिफर कोड उन्हें जरूर सजेस्ट कराइए। तो आइए लाल लालियो, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत, रिवीजन करते चलिएगा और प्रॉपर तरीके से चीजों को जोड़ते हुए लिखते चलिएगा ताकि आपको याद करने में कठिनाई न जाए। तो तीन वंश कंप्लीट हो चुके हैं, पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खलजी या खिलजी वंश और तीसरा था तुगलक वंश। अब आएंगे सैयद वंश पर, जल्द ही हमारे दिल्ली सल्तनत काल की चीजें समाप्त होगी। तैमूर कहां से आया था, तैमूर क्यों आया था और आखिरी में वो शासक क्यों भाग गया, सैयद वंश की शुरुआत में हम आपको इसकी थोड़ी बहुत कहानी जरूर बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप रिवीजन करते चलिएगा और प्लीज कमेंट्स करते चलिएगा और ध्यानपूर्वक, कई सारे पिछले क्लास में कई विद्यार्थियों ने जैन धर्म पर, जब मैंने कहा था कि आप धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, यकीन मानिए बहुत से विद्यार्थियों ने इतने खूबसूरत कथन दिए हैं कि धर्म का तात्पर्य क्या होना चाहिए, दोनों धर्म में क्या बात खासियत थी। मैं चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, तीनों तुगलक राजाओं में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, इनके बारे में, इन तीनों में से कौन सा तुगलक राजा आपको लगता है कि सबसे योग्य था, कौन से राजा की कौन सी बात आपको लगती है कि यह होनी चाहिए थी और शायद वो बदलाव लाती, या मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा कदम आपको लगता है कि ये काफी अच्छा हो जाता यदि सफल हो जाता, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।